तो मिस शुमाइल, हर्टफुल फीलिंग्स को कैसे साइड पे रख के अपने रिलेशनशिप को उस मोमेंट्स पे, उन टाइम्स पे, डिफिकल्ट टाइम्स पे बरकरार रखना है? देखिए, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि जो भी टेक्निकल चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं अपनी व्यूवर्स को वो समझ आ जाए। कह रहे होंगे बड़ी किताबी बातें, मैं शुमाइला नहीं, किताबी बातें नहीं है। टुडे तो हमने ये टॉपिक चुना इसलिए कि मैं जो से बात आपको कर रही थी ना कि इट्स वेरी इजी टू अवॉइड द पेन, तो उसमें हम रिलेशनशिप को भी रगड़े दे रहे हैं। आई मीन, बड़ी आसानी से मैं ये लड़कियों से और लड़कों से सुन रही होती हूँ कि ठीक है, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर तलाक हो गई, यानी ये अभी ये एक ऑप्शन बहुत इस पर कोई बजाय के रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के, अपनी परसेप्शंस को चेंज करने से, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने पे, हम प्रेफर करते हैं कि वो पेन जो चीज़ दे रही है उसको हम जिंदगी से निकाल लें। क्योंकि हम आई थिंक अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहे थे, हम डिनाई ही कर रहे होते हैं कि मुझ में भी कोई गलती है, शायद मुझे भी कुछ ठीक करने की। मिस मानन, हमें पता ही नहीं है काम कैसे करते हैं। मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि हम जानबूझ के तो नहीं चाहते कि कोई हमें, हम अपने आप को तकलीफ में रखें, हमें शायद आता नहीं है कि हम कैसे अपने ऊपर काम करके अपने ताल्लुक को बेहतर बना सकते हैं। सो जब हम हर्टफुल फीलिंग्स की बात करते हैं, जैसे उमर साहब ने कहा, आई टोटली एग्री कि हम चाहते ही नहीं हैं कि हम तकलीफ में जाएं। जब हम पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे मैंने कहा, हमारा जो निज़ाम है ना स्ट्रेस को या हर्टफुल फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करने का, वो दो ही रिस्पॉन्सेज देता है, या तो फाइट या फ्लाइट। ठीक, फ्लाइट करेंगे तो साइलेंट ट्रीटमेंट, फाइट करेंगे तो फिर रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशंस आते हैं। तो रिलेशनशिप में तो ये दोनों ही हमें हेल्प नहीं करते। देखिए, अगर हम एक मियाँ बीवी के ताल्लुक की एग्जांपल लें, और अगर बीवी हर्ट हुई है हस्बैंड के किसी बिहेवियर पर, तो वो चुप रहेगी ज़्यादातर। ठीक, अब हस्बैंड बार बार प्रोब कर रहे हैं कि क्या बात है, नाराज़ क्यों है, ये वो, ये जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वाइफ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, वाइफ इस बारे में हो सकता है ये अज्यूम करती हो, इसको पता ही नहीं है कि मैं, इसने मुझे हर्ट कर दिया, और इसको पता भी नहीं है, और ये बात उसको और हर्ट कर रही है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बोला कि वाइफ चुप रहेगी, पैसिव हो जाएगी, तो वहाँ पे भी वाइफ की एक एक्सपेक्टेशन, और ये दूसरे मर्द की भी हो सकती है, आप एग्जाम्पल क्योंकि वाइफ की दी जा रही है, कि अब वो मेरा, मेरे चुप रहने के बिहेवियर से समझे कि क्या गलत है। ये भी एक्सपेक्टेशन एक और इतनी छोटी छोटी चीजों, यानी इतनी छोटी छोटी चीजों को पर्सनल लेकर रिलेशनशिप को इतना डिस्टेंट कर दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। सो वो समझ रही है कि अब ये भी मैं ही बताऊं कि हुआ क्या। ठीक, अब हस्बैंड की कैपेसिटी होगी, या इधर आप वाइफ भी लगा सकते हैं उस जगह पर, ये कोई जेंडर बाइस नहीं है। दो तीन दिन के बाद जब ये हस्बैंड अपनी, मैंने तो अपनी फ़र्ज अदा कर दी या दो तीन दफ़ा पूछा ये, और ये अब बताने को तैयार नहीं है, तीन चार दिन के बाद फिर वाइफ का बांध टूटेगा। फिर वो बोलेगी, और फिर वो बोलेगी तो फिर भूलेगी नहीं, फिर वो एक्सप्लोड करेगी या फटेगी। अब ये जो पैसिव अग्रेसिव स्टाइल है ना, अब जब वो फटेगी तो फिर हस्बैंड क्या करेगा? वो भी आगे से रिएक्ट करेगा, हस्बैंड भी रिएक्ट करेगा। जब हस्बैंड रिएक्ट करेगा तो फिर वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये जो एक रिलेशनशिप है ना, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, जान ख़त्म होना शुरू हो जाना, उसमें जान ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हर वक्त फिर आप ऐसी एक मिशन पर रहते हैं, आई मीन ये कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाता, फिर ये साबित करने पे हर वक्त एक टग ऑफ वॉर रहती है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं ठीक, और फिर उसमें ताने देना, बातें सुनाना, जिसको अपने का पैसिव अग्रेसिव हो जाना, उसमें ताने देना, बातें सुनाना, ऑफेंसिव हो जाना, डिफेंसिव हो जाना, ये फिर सारी रिलेशनशिप फिर इस चीज़ का नाम बन जाता है कि वाइफ कोई मौका नहीं छोड़ेगी ताना देना हस्बैंड को, हस्बैंड कोई मौका नहीं छोड़ेगा ताना देना, या सार्केस्टिक होना, या समटाइम्स साइलेंट ट्रीटमेंट, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत पेनफुल होता है। और बज़ाहिर ये एक स्पाउजल रिलेशन है जिसमें कि एक दूसरे के साथ कमिटेड है बंदा।